लड़की ने बोला यार तुम अपना ना जेंडर चेंज करा लो फिर तुम भी चाय का स्टॉल खोलो। अकेले ही काम कर रहे हो क्या? अच्छा तो दोस्तों ये आज मैं आया हूँ मुखर्जी नगर गर्ल्स हॉस्टल के सामने, तो यहाँ पे मेरे को एक स्टॉल दिखा चाय प्लीज के नाम से। दीदी से बात करते हैं। और आप? और दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ यूनिक तरीके से आपने नया स्टॉल खोला है, ये कब से स्टार्ट करा है आपने? हो गए 15 डेज हो गए। तो अपने पास क्या क्या मिल जाएगा अभी? चाय, पास्ता, मैगी। अच्छा, और मैं ये देख रहा था कुछ वीडियोस में आप पहले जॉब करते थे, दिल्ली पुलिस में थे, कौन से में थे आप? नहीं नहीं मैं बिहार सब इंस्पेक्टर का था मेरा, तो मैंने अच्छा ऐसा ही था आप वहाँ पे हैं? हाँ जी थे। नहीं मतलब उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया बिकॉज मैं सिविल्स की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। तो उसमें मैं मेंस दे रही हूँ तो इसलिए अब छोड़ दिया। क्या कुछ रीजन ये, इसका क्या ख्याल है आपको? देखो मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ पे हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो एक दिन ना ऐसा हुआ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मुझे लगा यार अब कुछ करना है क्योंकि अच्छा। घर वाले बोल रहे हैं अब तुम आ जाओ। अच्छा। दिल्ली नहीं रहना है, मैं तुम्हें पैसा वैसा नहीं दूंगी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है तो मैं उस पर कब तक डिपेंड रहूँगी? सही बात। तो है। फिर मैंने यही सोचा और फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा। और पहले दिन ही मुझे अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा अच्छा रिजल्ट आया। और मैगी में कुछ वैरायटी है? प्लेन? अच्छा प्लेन मैगी है और वेजिटेबल मैगी। हाँ वेजिटेबल और चीज मैगी है। तो ये कुकिंग का शौक था या फिर एज ए बिजनेस ही आपको आपने सीखा या करना चाहा? नहीं नहीं ये सब मुझे आता है करने। अच्छा। हाँ तो इसलिए मैंने। तो दीदी आपने वो कंटिन्यू क्यों नहीं करा, वो जो आप कह रहे थे मैं एसआई कर चुकी थी उसके बारे में कुछ बताया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सिविल्स की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा छोटा लगता है जॉब और फीमेल के लिए थोड़ा सेफ नहीं होता है दरोगा वाली जॉब। अच्छा। मतलब लाइक कहीं भी जाना, जाना थोड़ा रात, सा, तो रात भी रात कहीं पे या एग्जैक्टली सेम पॉइंट था मेरे भी पेरेंट्स का, तो उन्होंने अच्छा। मुझे अलाउ नहीं किया और मुझे भी लगा कि जब मैं सिविल की तैयारी कर रही हूँ, जब मेरा मेंस निकल रहा है मतलब मेंस में दे रही हूँ, तो थोड़ा और कोर्सेज करने से मैं अगर कुछ बेटर कर सकती हूँ तो दैट्स इट, मैंने उसे छोड़। तो यहाँ पे सेफ फील हो रहा है आपका, ये जो है यहाँ ये भी तो एक तरीके से अपना काम ही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना? ऐसा तो कुछ नहीं है बट अगर हमें अपना काम करना है ना तो इग्नोर दे। अच्छा। सब कुछ मैं इग्नोर करती हूँ, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि गर्ल्स आती हैं या चल लड़कियाँ भी चाय बनाने लगी, नहीं उनको ये लगता है कि लड़कियाँ हर मतलब अच्छा। हर काम नहीं कर सकती। अच्छा। कल ही कोई आए थे वैसे वीडियो शूट कर रहे थे, उनके सामने ही कोई दो लड़कियाँ जा रही टोंट मारते हुए ताकि उनका, अरे यार लड़कियाँ भी चाय बनाने लगी ऐसा उनका रिएक्शन होता है, मुझे लगता है कि पता नहीं लोग लड़कियां जलन ये एक तरीके से जलन होती है शायद, मेरे को तो ऐसी लगता है। जैसे हम भी लोग कुछ करते हैं ना, भाई तुम वीडियोस बनाते हो कितना कमा लेते हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? सही बात है। अब हाँ। जो भी है, फिर एक लड़की ने बोला यार तुम अपना ना जेंडर चेंज करा लो फिर तुम भी चाय का स्टॉल खोल लेना। तो आंसर क्या था? कुछ नहीं था, वो अपने में मेरे सामने ही वो लोग बात कर रहे थे बस। तो ये था, तो ये भी फिर ये कैसे फेस करते हो आप लोग, मतलब ठीक है आदत हो गई है? मैं आदत हो गई है और अगर लाइफ में कुछ करना आगे बढ़ना है ना तो इग्नोर दे। इग्नोर सब कुछ इग्नोर मैं करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मैं यहाँ खड़ी हुई मैं उसी दिन सबको इग्नोर कर दी, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है क्या करता है आई डोंट केयर। तो ये पहला स्टार्टअप है आपका? हाँ जी। तो जो मैं देख रहा था MBA चाय वाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, यार चाय बेच रहा है ये कर रहा वो कर रहा, तो कुछ इंस्पिरेशन मिलते हैं इन लोगों से जो इतना बड़ा कर रहे हैं, या फिर कुछ इंस्पिरेशन थी कि हाँ भाई इस तरीके का मेरे को अपना बिजनेस करना है, या फिर अगर ये अच्छा चला तो ये करूँगी वरना फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगी? नहीं देखो मैं ना कॉपी पेस्ट नहीं करती। अच्छा। मेरा ये मानना है कि मेरे अंदर भी वो एबिलिटी है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई सब अच्छी है, मेरा सब कुछ वेल एजुकेटेड हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं कुछ कर रही हूँ? सही बात है। गवर्नमेंट के उस पर गवर्नमेंट जॉब आएगी फिर मेरा होगा सिलेक्शन देन सब कुछ होगा। सही बात है। तो फिर मैंने ना ऐसे ही सोचा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी उस टाइम, फिर मैंने कहा यार नहीं कुछ तो करना है, तो ये मेरा कम बजट में था इसलिए मैंने इसको किया, अदरवाइज मैं थोड़ा बड़ा। और ये हाँ ये क्या है, मैन पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए शुरुआत में काम को करने के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि उतना पैसे नहीं होते, सपोर्ट कोई नहीं करता है। तो घर वाले तो अभी मेरे घर में किसी को पता भी नहीं है ये सब काम का। अच्छा अभी पता ही नहीं है? नहीं किसी को। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे दिल्ली में, क्या कर रहे हो आप? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सुबह में मेरे क्लास होते हैं, उनको तो ये पता है कि मैं क्लास करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। क्लास करके आप आते हो फिर आप? हाँ जी। और इवनिंग में कब जाते हो आप? 10 बजे। और मॉर्निंग में कब आते हो क्लास? दो बजे से 10 बजे। दो बजे से 10? ओ भाई इतना
देख लो दोस्तों किस तरीके से एक जो लड़की है ना अपने खर्च को चलाने के लिए और काफ़ी कुछ समझ सकते हो जो उनका विज़न होगा जो भी वो सोचते होंगे, तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए एक लड़की होने के नाते। कोई एक्सक्यूज़ हम लोगों के पास बहुत रहते हैं।